कैसा? अच्छा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट्स 17 दिसंबर 2022, 5:30 AM और हम लोग अपने इस साल के लास्ट एंड सिक्स्थ ट्रिप एक टॉडलर और एक इन्फेंट के साथ के लिए निकल चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टू मैंगलोर। सो बैंगलोर टू मैंगलोर अराउंड 360 किलोमीटर है, जो 8 to 9 hours में हम लोग कवर करने का प्लान कर रहे हैं। एंड हमारे पास छोटी बीबी भी है, तो फिर मे बी थोड़ा सा और लेट भी हो सकता है, बिकॉज हम लोग एक दो स्टॉप जो है वो एक्स्ट्रा हो सकता है हमारा। बट स्टिल हमारा टारगेट है कि 8 to 9 hours तक हम लोग मैंगलोर पहुँच जाए एंड ज़्यादा हेक्टिक ना हो करके। हम लोग आज का दिन ऐसा कोई प्लान नहीं किया है मैंगलोर जाने के बाद, सो विल बी जस्ट स्टेइंग इन द रिजॉर्ट। तो अगर थोड़ा लेट भी होता है तो हमारे लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा उसमें। सो बैंगलोर से हम लोग जो हासन के लिए रोड जाता है, वी आर गोइंग ऑन दैट। तो बैंगलोर से हासन के बाद टू ऑप्शंस है, एक शेरी घाट एंड द चारमंडी घाट। तो हम लोग चारमंडी घाट के थ्रू जाने वाले हैं, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ रिसेंटली ट्रैवल और उसने बोला है कि जो शिरडी घाट है उस पर बहुत पॉट होल्स हो चुके हैं एंड द रोड कंडीशन इज़ रियली वेरी बैड, टू अवॉइड दैट। तो हम लोग चारमंडी के थ्रू जाने वाले हैं, तो आप आगे देख सकते हो कि हाउ इज़ अ चारमंडी घाट इन द वीडियो। नेक्स्ट ट्रिप हमारा मैंगलोर के लिए। हम लोग सुबह सुबह मैंगलोर के लिए निकल चुके हैं। हमारा प्लान था 5 o'clock निकलने का, बट एज यूजुअल हम लोग 20 मिनट्स लेट हुए। बट हम लोग निकल गए कैसे ना कैसे, 5:20 को हम लोग निकले बैंगलोर से एंड वी आर गोइंग टू मैंगलोर बाय हसन। गोइंग टू मैंगलोर बाय हसन, जो कि एक बेटर रोड है कम्पेयर टू शिरडी वाला रोड। एंड हम लोग ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर आ चुके हैं बैंगलोर से एंड वी हैव फाउंड अ प्लेस हियर कॉल्ड हल्ली मने एंड इट हैज एन ऑसम फूड। ये रहा हल्ली मने। अगर आप लोग मैंगलोर जा रहे हो बैंगलोर की तरफ से, तो पक्का से आई सजेस्ट कि यहाँ पे आप आके स्टॉप लेके ब्रेकफास्ट कीजिए। दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, नॉट जस्ट द रेगुलर डोसा इडली एंड दिस इज रागी डोसा, ये नीर डोसा भी है, दैट्स इडली थाली एंड देन दिस वन इज वेज डोसा। सो हम लोग ने मैंने ये देखने से पहले ऑर्डर कर दिया था, तो वरना मैं कुछ और ऑर्डर करती थी। तो मैंने ऑनियन डोसा ऑर्डर किया था एंड दीज आर द स्वीट्स। तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि एक बार आ सकते हो। स्टाफ भी बहुत ज़्यादा है तो लेट होने वाला है नहीं। द प्लेस इज़ नीट, नाइस एंड क्लीन एंड इट्स वेरी कैसा? अच्छा है। चीकू, डिड यू लाइक द इडली? इट्स यम्मी। सांभर इज हॉट, इडली इज गुड बट सांभर इज हॉट। यू वॉन्ट कोल्ड सांभर? ये रहा मेरा ऑनियन डोसा। हम लोग जनरली यहाँ पे भी रुकते हैं, हम ये देखते हैं कि टाइम हमारा कम सेव हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, इफ यू कैन सी कंटिन्यूस लोग आ रहे हैं। यहाँ देखो, ये देखो, तो कंटिन्यूस लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमें लगा था कि इतने सारे लोग आ रहे हैं तो शायद से भीड़ होगी तो हम लोग को लेट ना हो जाए, बट स्टाफ बहुत है अंदर, तो बहुत जल्दी जल्दी सारा मतलब सर्विस दिया उनने एंड हम लोग का हाफ एन आवर से पहले ही ब्रेकफास्ट भी पूरा हो गया है। एंड ये जो ट्रिप है हमारा, ये देखो इधर, यस हाय, चेरी चेरी ये क्या था? वो उसको वाह टिंग। और ये जो ट्रिप है इसमें सिर्फ हम चार नहीं हैं, बाकी लोग भी हैं। देखो कौन है, माँ चले माँ और मम्मी। ये हम लोग पेरेंट्स का ट्रिप कर रहे हैं इस बार, डैडी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करके और मिलते हैं थोड़ी देर में।
नाउ वी आर एंटरिंग टू हासन सिटी। यहाँ से अभी और 4 hours 30 minutes का जर्नी दिखा रहा है, सो मे बी 5 hours तक का हम लेके चल रहे हैं। सो नेक्स्ट 5 hours में हम लोग मैंगलोर में रहेंगे। अभी तक का रोड का कंडीशन बहुत अच्छा था, लेट्स सी घाट सेक्शन कैसा है। Chiku is enjoying? Yeah. Where are we going? We're going to the beach resort. Beach resort? What's the location name? It's Mangalore. Bangalore. Not Bangalore. It's Mangalore. It's Mangalore. ये देखो मुझे क्या मिल रहा है खाने के लिए। हम लोग अपने second stop के लिए रुके हैं and ये देखो ice apple. क्या बोलते हैं इसको? Nungu. तमिल में Nungu बोलते हैं और इट्स ice apple. ये बहुत हेल्दी होता है खाना। यहाँ पे हमको ये आइस एप्पल मिला और पाइन एप्पल मिला था, तो पाइन एप्पल मसाला खा रहे हैं हम लोग। एंड यहाँ अंदर देखो चेरी बेबी को खिलाया जा रहा है खाना। इट्स शोइंग ऑल 2 hours 40 minutes में हम लोग वहाँ मैंगलोर पहुँच जाएंगे। तो आज हम लोग रिजॉर्ट में ही रुकेंगे एंड बीच में थोड़ी देर खेलेंगे और उसके बाद कल का प्लान अकॉर्डिंग भी हम लोग प्लान करेंगे। सो मेरा सी मसाला पाइनएप्पल आ गया है, अभी हम खाने वाले हैं। सो अभी हम लोग चारमंडी घाट में चढ़ने वाले हैं। देर विल बी फ्यू हेयर पिन बेंड्स एंड द रोड कंडीशन इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और यहाँ पे सीनिक प्लेसेस भी आपको मिलेगा, फोटोज़ ले सकते हो। वेरी ब्यूटीफुल घाट। मैंगलोर पहुंच चुके हैं एंड हियर इज़ आर रिजॉर्ट, समर सैंड बीच रिजॉर्ट। हम लोग यहीं पे नेक्स्ट 4 days के लिए रहने वाले हैं। एंड रिजॉर्ट के बारे में तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें देख सकते हो हाउ इज़ द रिजॉर्ट एंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। नाउ लेट्स जस्ट गो इनसाइड। It's a summer sand beach resort. The other side is the beach and हम लोग का room cottages है इस तरह। फिर हम लोग जा रहे हैं, we are gonna rest. थोड़ा late हो गया आने में because हम लोग ने 2-3 stop ले लिया था आते हुए रास्ते में। Take a baby. The place is nice. So ये रहा हमारा cottage. हाँ वो उसको देखा। ये होता जब 8 hours का जर्नी कार में बच्चे को बैठा के लेकर आते हैं तो अरे चेरी बेबी अभी हम लोग फ्रेश होके रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में ही जा रहे हैं। हमने लंच के लिए कहीं पे ब्रेक नहीं लिया था, तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ छोटा मोटा स्नैक्स करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग रात को होटल नारायणा के लिए निकलेंगे, इट्स वेरी फेमस फॉर सी फूड, तो वहीं पे हम लोग डिनर करेंगे। दिस इज़ द स्विमिंग पूल एरिया, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, इसके जस्ट सामने बीच है। अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी इस पर रिजॉर्ट टूर का, तो आप उसमें पूरा चेक कर सकते हैं। सो वी आर हेयर टू होटल नारायणा, यहाँ पे हम लोग डिनर करने वाले हैं। इट्स वेरी फेमस फॉर फिश मील एंड इट्स वेरी ओल्ड रेस्टोरेंट। सो इसके आगे मैं सारे फोटो लगाने वाली हूँ आज के पूरे ट्रिप का, आप उसको देख के इन्जॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।